यो सब गाइस, कैसे हो आप सब लोग? एंड वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं न्यू गैंग्स ऑफ लीन्स। तो गाइस, आप लोगों ने जैसे पिछली गेम प्ले वीडियो में देखा होगा कि गाइस पिछली गेम प्ले वीडियो में यार जो यार्च पे इतना टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ईमैन और ईमैन की पूरी टीम के पास कोई भी लोकेशन नहीं बची थी जो पुलिस वालों और टेररिस्ट को ना पता हो। इसीलिए मेरे पास एक ऐसा, मतलब कि मेरे एक दोस्त के पास एक हाउस था जो वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा ही हाई सिक्योरिटी लगा रखी थी। तो यार मैंने उससे बात करी और वो घर ना ईमैन को कुछ दिनों के लिए दिलवा दिया। बेसिकली उसे वो जो दोस्त था मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था। उससे मैंने मना भी कर दिया था कि किसी को भी नहीं बताना कि ये घर मैंने तुमसे लिया हुआ है। तो गाइज उसको वो घर दिलाने, मतलब ईमैन को वो वाला घर देना आने के बाद हम लोग सीधा, मतलब अपनी कार लेके निकल गए थे सीधा बिल्डर के पास, क्योंकि यार बिल्डर को मेरे को कुछ फी पे करनी थी, जिस वजह से यार जो अपना जो शोरूम का काम था वो मतलब वो पूरा कर सके। इसीलिए हम लोगों ने उसको 25 मिलियन डॉलर पे कर दिए थे, जिससे उसने कहा था कि वो काम फिर से शुरू कर देगा, क्योंकि यार उसको काफ़ी सारे पैसों की और ज़रूरत पड़ी थी। क्योंकि हम लोगों ने उससे कहा था कि हम लोगों को एकदम बेस्ट शोरूम चाहिए, जिस वजह से उसने एकदम नंबर वन काम किया है। तो गाइस वो सब बात बाद में। उसके बाद हम लोग गए थे बहुत ज़्यादा तगड़े रेसिंग टूर्नामेंट में, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे मतलब जीत भी गए थे। और उस जो पूरी की पूरी जो रेस थी उसका प्राइस 2 बिलियन डॉलर था। पर यार सबसे बड़ी बात ये थी, जीतने वाले को मतलब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रेस में पार्ट लेने का सीधा, मतलब डायरेक्ट चांस मिलेगा। तो यार वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग चल लेते हैं सीधा, क्या कहते हैं, एक ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है। तो मैं रास्ते में आप लोगों को बताता हूँ। तो यार गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी सिटी में, और सिटी से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं ईमैन के, मतलब ईमैन के घर पे, जो घर हम लोगों ने ईमैन को दिलाया था वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं। क्योंकि गाइस ईमैन से मेरी लास्ट टाइम पे बात हुई थी, उसने कहा था कि ये जितना भी अटैक वगैरह है ये पुलिस वाले और एक यहाँ पे एक नई टेररिस्ट गैंग आई है वो सब मिलके करवा रहे हैं। अब पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पुरानी गैंग है जो हम लोगों से अपना पुराना बदला ले रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं। वैसे भी रात होने वाली है और रात के टाइम पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाई सिक्योरिटी रह जाती है, और काफ़ी दिनों से तो पूरी की पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा पड़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने वाले हैं ईमैन के न्यू हाउस पे, और बस मेरे को आगे से राइट टर्न लेना है और यहीं पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। ये जो आप लोग लेफ्ट वाला हाउस देख पा रहे हो ये उसी का हाउस है, और जल्दी से मैं ऊपर चल लेता हूँ, वरना कोई बंदा मेरे को यहाँ पे आते जाते देख लेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आजकल ना गाइस एक टाइप से हमारे पीछे स्पाई लग चुके हैं जो हर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईमैन तक पहुँचा रहे। तो गाइस यहाँ पे मेरी ईमैन से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। ईमैन कह रहा है उस गैंग के बेस का पता तो चल गया है, बेसिकली से उसका जो मेन लीडर है उसका पता नहीं चल पाया है, पर जो इस सिटी में रह के जो उसको ऑपरेट करता, मतलब उस गैंग को ऑपरेट करता है इस सिटी में रह के, उसका पता चल गया है। पर वो जो लोकेशन है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसीलिए ईमैन ने ना अपना हेलीकॉप्टर यहीं यहाँ के पास में कोई पार्किंग है उसी में पार्क कर दिया है। मेरे ख्याल से एक पार्किंग इस तरफ है, चल के देख लेते हैं। इधर पास में मेरे ख्याल से कोई पार्किंग थी, मेरे को याद था पर इतना कन्फर्मली याद नहीं, चल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, पास में ही वो लोकेशन है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो गैंग ना हमारे घर पे, मतलब ईमैन का ये जो आप लोग घर देख पा रहे हो, उन लोगों को ये पूरी की पूरी लोकेशन भी पता चल गई है कि ईमैन और ईमैन की पूरी टीम कहाँ पर छुपी हुई है। तो गाइज उन लोगों ने एक बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक प्लान बनाया है। उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने एक टाइप से जॉम्बी ह्यूमंस को ला के हमारे ऊपर अटैक करवाना चाहते हैं। बेसिकली से जॉम्बी ह्यूमंस एक टाइप से ऐसे ह्यूमन होते हैं जिनको केमिकल, मतलब केमिकल इंजेक्शन दे के एकदम एनिमल जैसा बनाया जाता है, इसीलिए उनको जॉम्बी ह्यूमंस कहते हैं। बेसिकली से वो लोग ना उन सभी को कंटेनर्स में भर के इस सिटी में लाए हैं, इस सिटी में नहीं मतलब कि दूसरी सिटी में लाए हैं जहाँ पे उनका मेन बेस है। तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि हम लोग उस पूरी की पूरी गैंग को ख़त्म करेंगे, और उस गैंग को ख़त्म करने के बाद हम लोग वो जो दोनों कंटेनर है ना, उन दोनों कंटेनर्स को सीधा नेवी बेस पे भिजवा देंगे। उसके बाद जो करना है वो सब नेवी वाले करेंगे। तो जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा।
तो गाइज जल्दी से निकल लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे को पूरे के पूरे 2 घंटे हो चुके हैं इस हेलीकॉप्टर को भगाते भगाते, और बस हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जो आप लोग नीचे की तरफ जो 2 कंटेनर से बड़े बड़े कंटेनर देख पा रहे हो वही लोकेशन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी लार्ज बिल्डिंग में जो आप लोग ये जो नीचे लोकेशन देख पा रहे हो यही वो लोकेशन है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पार्क करूँ कि ना करूँ, क्योंकि यार सामने की तरफ है, हो सकता है इन लोगों के पास कोई हाईटेक वेपन्स हो जिससे यार ये हमारे हेलीकॉप्टर को 2 सेकंड में ही उड़ा दें। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग यहीं पे मतलब उतार सकते हैं, लैंडिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लैंडिंग करवा देते हैं, यहाँ पे कोई छोटा सा स्टोर है उसी पे लैंडिंग करवा कर और जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं सिल्वर राइडर के यहाँ। इस गैंग का नाम सिल्वर राइडर्स है, तो आप लोग सोच सकते हो मतलब एकदम ये नाम ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाइक राइडर्स वाले नेम है, पर यार ये ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ही गैंग है। क्योंकि गाइज आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा अटैक नहीं देखा जिसमें यार ज़ॉम्बीज़ वगैरह कोई गैंग, क्योंकि लास्ट टाइम एक हम लोगों ने जब जज को बचाया था तब हम लोगों ने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखा था। तो यार इस बंदे से मेरी की पूरी बात हो चुकी है। ये बेसिकली इसे ईमैन का स्पाई है जो काफ़ी दिनों से उस बेस पर नज़र रखे हुआ था, और ये जिस बिल्डिंग से हम लोग बगल से निकल रहे ना ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा होटल है जो जो बेसिकली से ईमैन के फ्रेंड का, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि ईमैन का इस सिटी में सबसे बड़ा सुप्रीम बैंक है। वैसे दिक्कत कोई नहीं है, सुप्रीम बैंक अपने नाम पर भी एक है और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन है, पर यार उस वर्ल्ड रेस के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही बड़े रिच, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े रिच मैन बन जाएंगे। तो ये रही उसकी पूरी की पूरी गैंग, वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी गैंग है और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से फाइट लेंगे, हमारे पास अपनी गोल्डन AK-47 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बंदा डाउन और बाकियों को पता चल गया है यहाँ पे इनके बेस में अटैक हुआ है। वैसे इन लोगों को पता चल गया वो सही है, और मैं भी थोड़ा छिप छिप के इनके ऊपर फायर करूँगा, पता चला ये लोग मेरे बचा दें और मैं इनके कुछ कर भी ना पाऊँ। ऐसे तो यार इसकी बिल्कुल हेल्थ नहीं आ रही, इधर ये गया, 2 बंदों को मैं मार चुका हूँ और मेरे ख्याल से आगे काफ़ी सारे बंदे। और ये देखो गाइस ये जो 2 आप लोग सामने गैंगस्टर नोला का मतलब जो 2 कंटेनर्स देख पा रहे हो इन्हीं में वो ज़ॉम्बी ह्यूमंस भरे हुए हैं। बेसिकली से मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है ये लॉक है, अगर ये खुले होते ना तो आप लोग सोच सकते हो 1 कंटेनर में 200 से ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं, और अगर गलती से भी दोनों कंटेनर खुल जाते ना तो भाई मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है और इस पूरी की पूरी सिटी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि गाइस ये पूरा का पूरा ओपन फील्ड है और चारों तरफ से मतलब कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, तो गलती से अगर ये एक भी ज़ॉम्बी बाहर निकल गए ना काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 या 2 बंदा बचा है, तो यार यहाँ पे ये मेरे ख्याल से तो कोई, ये तो पर्पल गैंग के बंदे लग रहे हैं, ये क्या, ये मेरे ख्याल से लग रहा है ये टेररिस्ट और सारी गैंग मिक्स होकर हमारे ऊपर अटैक कर रही है क्या। तो यहाँ पे इनका जो मेन बॉस है वो आ चुका है, स्नाइपर नहीं मारेंगे इसको, तो अपनी गोल्डन पिस्टल से मारेंगे। इधर रिलोड तो कर लेंगे, और यहाँ पे ये शॉट इसको ना बहुत बुरी तरीके से मजा चखाने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे इसको तो ये देखो भाई साहब, इसको हम लोगों ने शटर के नीचे मारा है गिरा के, काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है इसका, और यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। तो वैसे गाइस ये दोनों कंटेनर्स को लेने के लिए ईमेन से मैंने कह दिया कि कोई हेलीकॉप्टर भिजवा दे जिसमें यार मैग्नेट अटैच हो, क्योंकि गाइस इन दो मतलब कि वो जो आप लोगों को पता होगा वो जो नेवी बेस है वो इस सिटी में नहीं है, वो बेसिकली उसे हम लोगों को टोटल 3 से 4 सी पार करके जाना पड़ेगा तब ही जाके वो नेवी बेस आएगा। और यहाँ पे मैं अपनी मिनी गन क्यों निकाल रखी है, इसको अंदर कर लेता हूँ, पता चला कोई पुलिस वाला मेरे को ये मिनी गन हाथ में लिए देख ले और दिक्कत हो जाए। अपनी गोल्डन पिस्टल हाथ में ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्डन पिस्टल से कोई पुलिस वाला नहीं रुकता, क्योंकि बेसिकली से हमारे पास इस गोल्डन पिस्टल का लाइसेंस है, बाकी गन का लाइसेंस नहीं है। और अभी ईमैन थोड़ी देर में आता ही होगा, उसके बाद ईमैन इन सभी मतलब इन दोनों कंटेनर्स को मैग्नेट से अटैच करके सीधा नेवी बेस में भिजवा देगा, और नेवी बेस में हम लोग नहीं भेजने जाएंगे, नेवी बेस में हमारे जो मतलब कि पुलिस वाले 2
ईमन ने हायर किए हैं कुछ काम करने के लिए वही जाएंगे और उस नेवी बेस में छोड़ के आएंगे। तो गाइस यार यही थी गेम प्ले वीडियो। अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी तो यार जल्दी जाओ कमेंट में जाके जरूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पे लाइक एम हम लोग खाली 100 लाइक्स का एम रखते हैं, बहुत छोटा एम है। जल्दी जाके लाइक बटन को दबा दो, एम को कंप्लीट कर दो, और चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द क्रॉस कर सकें। और यार मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, गुड बाय गाइस।